हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वाले वीडियो में हमारे। और दोस्तों, ये आज सिलाई क्लास का चौथा दिन है और चौथे दिन में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको कटिंग में आगे बहुत मदद करने वाली है। देखिए, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे चलते जाएगी ना, वैसे वैसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलते जाएगी। कई चीजों के चार्ट बनाकर भी देने वाला हूं मैं, जैसे जैसे सिलाई क्लास आगे जाएगी तब। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज दोपहर को अब 12 बजे वीडियो नहीं आएगा, 1 बजे वीडियो आएगा, ठीक है? तो 1 बजे आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। और क्या करना है एक्टिव रहने के लिए, सबसे पहले एक कॉपी ले लेंगे, पेन ले लेंगे और जो भी चीजें मैं बताता हूं उसको लिखते रहेंगे, सही है ना? क्योंकि देखिए, कितना भी सीख लो अपन, अगर लिख कर नहीं रखेंगे तो अपन भूल जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान से इस क्लास को पूरा महत्व दीजिए और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। लगभग 2-2.5 महीने चल जाएगी ये क्लास। सारी ब्लाउज का मेथड आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है? और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पैड वाला ब्लाउज बनाएंगे किसी का भी, ठीक है, तो जैसे 38 चेस्ट का अपन ने नाप लिया, उसके अंदर 2 इंच लूजिंग मिलाना पड़ेगी, तब आपका ब्लाउज परफेक्ट बैठेगा। क्योंकि जैसे ही कप लगाते हैं ना, ये लगभग 1 इंच के करीब लूज करना पड़ता है। तो जैसे हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, उसमें 1 इंच की लूजिंग डालते हैं, अगर कप लगाएंगे तो 2 इंच की लूजिंग डालना पड़ेगी, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं कि कप लगाने के बाद इसका चेस्ट कितना आया। यहां रखेंगे ऐसे और इस पर, यहां ले गया मैंने, लगभग देखिए इसका 39.5 इंच आ गया, जबकि ये डमी हमारी 38 इंच की है ना? तो आज सवाल ये नहीं है कि लूजिंग कितनी देना है, क्या देना है। आज का जो सवाल है ना, हर साइज के हिसाब से आपको इस टक्स की लंबाई कितनी देना है, ठीक है? मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो ये जो मैंने कप रखा हुआ है इसके ऊपर, ये 38 साइज का है, ठीक है? इसी के हिसाब से मैंने, मेरे पास सारे कफ है, जैसे 28 से लगाकर 44 इंच तक, तो इनकी सबकी आज आपको मालूम पड़ जाएगी कि टक्स की लंबाई कितनी रखना है। चलिए डायरेक्ट आपको बताता हूं कि किस साइज में कितनी आपको रखना है। वीडियो पूरा अंत तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत सारी जानकारी वाला वीडियो है, क्योंकि ऐसे वीडियो बार बार नहीं बनते हैं। बहुत सारे कफ इकट्ठे किए गए हैं और आपके लिए ये मेथड तैयार किया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने ये जो पन्नियां है ना, ये सभी साइज के पैड खरीदे हुए, ठीक है? यानी ये कप, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि साइज के हिसाब से डॉट की लंबाई कितनी आना चाहिए, साइज के हिसाब से डॉट की चौड़ाई कितनी आना चाहिए। सभी जब बताते हैं ना अपने तरीके से, वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, सही रहता है। कभी कभी कुछ पाव इंच ज्यादा या कम हो जाता है, उसी के कारण कई लोग बोलते हैं कि इनको काम नहीं आता है, ठीक है? लेकिन क्या है, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि आपको साइज के हिसाब से डॉट की लंबाई कितनी रखना है, चौड़ाई कितनी रखना है। और जो मेरे कटिंग के वीडियो आएंगे ना लगातार सिलाई क्लास के, ये सिलाई क्लास के लिए एक आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी थी। तो मैंने जो मेजरमेंट लिया है उसके बाद आपको, जैसे पिछले वीडियो में बात चली थी ना डमी के ऊपर कि डॉट की चौड़ाई कितनी रखना है, तो वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आप लोगों को एक जो ये कफ रहते हैं ना, इनके माध्यम से बता दिया जाए कि डॉट की लंबाई कितनी रखना चाहिए, चौड़ाई कितनी रखना चाहिए। क्योंकि बुटीक पे जितने भी ब्लाउज बनते हैं ना, ये कपों के हिसाब से ही बनते हैं, ठीक है ना? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं साइज यहां पर लिखूंगा 28, ठीक है? और उसके बाद साइज आएगी हमारी 30, ठीक है? तो यहां पर 30 और 28 का आएगा। तो पहले हम 28 को ले लेते हैं, इसको ऐसे हटाकर। अपन सबसे पहले 28 का ये जो कप है ना, इसकी लंबाई नापेंगे। ये देखिए कितनी आ रही है, 5 इंच और 2.5,
यानी 1.25 इंच। अगर हम 1.25 इंच को ऐसे डबल मोड़ देंगे यहाँ पर, तो आपकी जो डॉट की लंबाई आ जाएगी ना, वो 2.5 इंच और 1 पॉइंट, मतलब 2 इंच और 6 पॉइंट। यहां पर अपन 2 इंच लिखेंगे ऐसे और 6 पॉइंट, ये हो जाएगी हमारे डॉट की लंबाई। अब इसमें मार्जिन अलग से ऐड होती है, वो कैसे होती है आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी, और इस चार्ट के माध्यम से ही आपको आगे कटिंग सिखाई जाएगी सारी। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जब चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब। तो अभी देखिए, आपने देख लिया ना कि इसकी डॉट की लंबाई कितनी रखना है, 2.6। अब ये देखिए, मैंने क्या किया, इसका सेंटर निकाला है और यहां से इसको बीच में कट मार दिया है। अभी देखते हैं, हम इसको ऐसे फैलाएंगे ऐसे कर और इसको यहां पर लगा देते हैं, और इस भाग को हम यहां पर लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अभी यहां पर देखेंगे हम डॉट की चौड़ाई कितनी आती है 28 इंच में। ये देखिए, यहां पर ये आ रही है 2.5 इंच, ठीक है। तो यहां पर डॉट की जो चौड़ाई रखेंगे ना हम, 2.50, क्लियर। ये आपको 28 साइज का मेथड मिल गया है, इसी हिसाब से आप कभी भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं मैं 30 साइज, ये है मेरे पास 30 साइज, इसको यहां रखेंगे, यहां पर देखेंगे इसको ऐसे मिलाएंगे, यहां पर 5.5 इंच, 5.5 का आधा कितना आता है, 2.75 इंच, ठीक है, मतलब 2.75। यहां पर देखिए 2.75, ये डॉट की लंबाई, और डॉट की चौड़ाई कितनी आएगी अभी देख लेते हैं। इस हिसाब से हम इसको यहां पर रखेंगे, ऐसे खोलेंगे इसको पूरा दबाकर। अब ये कटोरी की जगह हो गई ना हमारी गोल, यहां पर रखा मैंने ऐसे, और यहां देखूंगा मैं कितना आ रहा है, 2.75, मतलब जितने डॉट की लंबाई है ना 30 साइज में, उतनी ही डॉट की चौड़ाई भी आने वाली है 30 साइज में, क्लियर। ये बात आप क्लियर ध्यान रख लीजिए, इसी के हिसाब से आपको कटिंग सिखाई जाएगी, और हो सके तो आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे जब भी सिलाई क्लास का वीडियो आएगा। अभी मैं इसको साइड में रख लेता हूं और यहां उठाता हूं 32 साइज। अभी देखिए 32 साइज यहां रखेंगे ऐसे, और इस तरफ ये कितना आ रहा है, 5.5 इंच, मतलब इसका भी डॉट की लंबाई 2.75 निकलेगी। यहां लिख लेते हैं हम 32.75, और यहां पर 2. ऐसे खोलेंगे इसको ऐसे, ठीक है, ये खोल दिया हमने। यहां देखेंगे तो इसका जो डॉट आ रहा है ना, ये आ रहा है 3 इंच का, मतलब इसके डॉट की चौड़ाई कितनी रहेगी, 3 इंच, ऐसे, ठीक है। लेंथ सेम आई है इसकी, लेकिन डॉट की चौड़ाई ज्यादा आई है। अब हम इसको हटा देते हैं, हमारा 30 साइज कंप्लीट हो गया, 32 साइज कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे यहां पर 34, ये देखिए ये 34, इसको हम पहले लंबाई नापेंगे इसकी, यहां से देखिए ऐसे, और यहां पर देखिए इस तरह से, ये 6 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो इसको हम 6 इंच मान लेंगे। यहां पर रखेंगे 3 इंच डॉट की लंबाई, ठीक है। अब इसका डॉट की चौड़ाई देखते हैं, यहां रखेंगे ऐसे, और इसको पूरा प्रेस कर देंगे इस तरह से, और यहां से निकाल लेंगे हम डॉट की चौड़ाई। इसके डॉट की चौड़ाई आ रही है 3.25 इंच, यानी 3.25, ठीक है, ये डॉट की चौड़ाई। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है कि इनके हिसाब से ही हमको सिर्फ ब्लाउज बनाना रहेगा, मैं बताऊंगा आपको सिलाई क्लास के माध्यम से कि इनसे भी अलग हटके गणित आता है कटिंग का। और लगातार वीडियो जो लोग देखेंगे ना कंटिन्यू रोज 1 बजे, उनको ये सारी जानकारी बिल्कुल एकदम फ्री मिलेगी चैनल के माध्यम से। वीडियो रोज देखना है आप लोगों को, ऐसे हटा दिया।
अब हमारे पास नंबर आ जाता है 36। यहां लिखूंगा मैं 36। डॉट की लंबाई निकालेंगे पहले ऐसे, ये देखिए यहां रखेंगे और इस तरफ कितना आ रहा है देखिए दोस्तों, ये आ रहा है 6.5 इंच, यानी 6.3.25। ये 6.5 है ना, इसको डबल करेंगे हम तो यहां पर आएगा 3.25 इंच, 3.25 इंच। तो मैंने यहां पर 3 इंच और 2.5 इसके डॉट की चौड़ाई रखी, डॉट की लंबाई रखी है। और अब देखते हैं इसकी चौड़ाई, यहां रखेंगे हम ऐसे, पूरा प्रेस कर लीजिए और यहां देखिए कितना आ रहा है 3.50। यहां पर लिख लेंगे अपन 3.50, ये डॉट की चौड़ाई हटा दिया हमने इसको। अब ये आता है हमारे पास 38, जो हमारे पास डमी है ना उसका, अभी इसको देखेंगे इसकी लंबाई। ये देखिए यहां पर से ऐसे मिलाएंगे, ये भी लगभग हमारे पास 6.5 इंच आ रहा है, तो इसका भी हम कितना रखेंगे 38 का 3.25, ये डॉट की लंबाई। अब यहां पर देखेंगे ऐसे प्रेस करेंगे इसको इस प्रकार से और यहां देखेंगे तो इसकी भी डॉट की चौड़ाई कितनी आ रही है 3.50। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर लगभग दोनों सेम है 36 और 38। मैं कई बार बताता हूं ना कि कुछ साइज में गणित एकदम सेम आ जाते हैं, वो इसी प्रकार से आते हैं। अभी यहां देखेंगे हम, हमारे पास है 40 इंच, तो यहां पर 40 इंच का देखेंगे हम कि टक्स की लंबाई कितनी रखना चाहिए, लेंगे हम कप को यहां रखेंगे ऐसे और इस तरफ देखिए कितना आ रहा है 7 इंच। यहां पर 3.50 क्यों लिया हमने, जैसे ये 7 है ना, इसको हम ऐसे डबल करेंगे तो इसका आधा आएगा 3.5 इंच। ठीक है, इसी प्रकार से इसका डॉट की लंबाई निकालना चाहिए। अब देखेंगे हम यहां पर ऐसे, अभी देखिए ऐसे करेंगे, पूरा प्रेस कर दिया हमने, अब इस डॉट की चौड़ाई मिल जाएगी आपको। तो यहां पर लेंगे ऐसे, तो ये कितनी आ रही है डॉट की चौड़ाई 4 इंच, तो यहां पर डॉट की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच 40 साइज में। ठीक है, अभी देखिए जो 42 साइज का रहेगा ना, उसका मेरे पास कप नहीं है, जब आएगा तो उसे भी मेजरमेंट करके दिखा दूंगा, लेकिन 42 साइज का जो कप आएगा ना, उसका भी 3.50 डॉट की लेंथ आएगी और 4 इंच का आएगा उसका भी डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉट की लंबाई और चौड़ाई निकाली जाती है। अभी देखिए ये है मेरे पास 44 इंच का। ठीक है, अब 44 इंच का हम देखते हैं, यहां से मेजर करेंगे ऐसे और यहां पर ये है 8.25 इंच, यानी 44 में आपको 8 पॉइंट है, मतलब 4 और 1 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट यानी 4.25 में 1 पॉइंट कम आएगा इसका आधा भाग। अभी इसके डॉट की चौड़ाई देख लेते हैं, ये देखिए यहां पर ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं डॉट की चौड़ाई कितनी आ रही है 5 इंच की। ठीक है, तो यहां पर मैं डॉट की चौड़ाई रखूंगा 5। देखिए अब ये डॉट की चौड़ाई हमने एक ही उसमें रखी है और ऊपर का जो रखा है हमने आधा आधा रखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से डॉट की चौड़ाई और लंबाई निकाल लेना है सभी साइज में। यहां पर 46 में भी यही आएगा 4.1 और 5 इंच डॉट की चौड़ाई आएगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, ये जो डॉट की चौड़ाई है, यानी ये जो डॉट है ना, ये चौड़ाई मान लीजिए चेस्ट कस्टमर का 44 इंच है। ठीक है, और इसकी कमर
कमर वेस्ट रहता है इसका 34 इंच, मान लीजिए 36 इंच। बस ये दो मेजरमेंट पर ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी कमर 44 चेस्ट है और कमर यहां पर आ जाएगी 40 इंच, तब ये आपका 5 इंच का डॉट वहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। मेरा मतलब ये है कि आपको जो कटिंग सीखना है ना, वो कैसी सीखना है, बिल्कुल परफेक्ट करने के तरीके से। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो डमी रहती है ना, वहां पर हमने ऐसे मेजर लिया था, एक अपर चेस्ट का, फुल चेस्ट का और कमर वेस्ट का, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, यहां पर ये अपर चेस्ट, ये फुल चेस्ट और ये वेस्ट यानी कमर। तो जो कमर यहां पर देख लेते हैं, और ऐसे मिलाकर ये फुल चेस्ट है समझ लीजिए यहां पर, और ये कमर है। इसके बीच में जो गैप बनता है ना, उसी पर से आपके डॉट की चौड़ाई निकलती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और ये जानकारी मेरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी एक जानकारी के साथ, क्योंकि सिलाई क्लास चल रही है, इसके सारे अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर वीडियो पर पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबाना ऑल के ऑप्शन के साथ, क्योंकि आने वाले जो नए नए वीडियो रहेंगे ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना जरूरी है, तभी तो आप नए वीडियो को वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे। और आपको ये अगर जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेथड सही लग रहा है आपको या गलत लग रहा है। अगर मेरे लिए कोई आपके पास राय है तो मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own.